हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोएम द डक एंड द कैंगरू। तो फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही फनी टाइप का है। तो फ्रेंड्स, बिना बकवास किए चलो इस पोएम को शुरू करते हैं। तो हमारे पोएम का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जो डक है वो कैंगरू के मूवमेंट को देखकर शॉक हो जाता है और वो कैंगरू से कहता है कि तुम तो खेतों और वाटर बॉडीज के ऊपर लगातार हॉप कर सकते हो, और वो कहता है कि तुम्हारे मुकाबले मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, और वो कहता है कि मुझे हमेशा एक तालाब में रहना पड़ता है। इसके अलावा वो कैंगरू को अपनी इच्छा के बारे में बताता है कि वो बाहर की दुनिया को देखना चाहता है, अपने पॉन्ड से निकलकर बाहर की दुनिया घूमना चाहता है, और वो ये भी कहता है कि काश वो भी कैंगरू की तरह हॉप कर पाता। इसके बाद जो डक है वो कैंगरू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने पीठ पर बिठा ले, और वो कैंगरू से ये भी कहता है कि वो पूरा दिन चुपचाप एकदम शांत उसकी पीठ पर बैठा रहेगा। और वो कैंगरू को लिस्ट भी बताता है कि वो किन जगहों पर जाना चाहता है, और वो कहता है कि वो डी और जेलीबो ली जाएगा। तो ये सब सुनने के बाद जो कैंगरू है वो कहता है, हाँ ठीक है, बट तुम्हें इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है। तो कैंगरू अपने प्रॉब्लम के बारे में डक से बताता है, और वो कहता है कि क्योंकि तुम पूरे दिन तालाब में रहते हो इसलिए तुम्हारे पैर गीले और ठंडे हो गए हैं, और इसकी वजह से मुझे दर्द हो सकता है, मुझे ठंड लग सकती है। तो डक जो है वो कैंगरू के इस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है, और वो उससे कहता है कि मैंने पूरे दिन पत्थरों पर बैठकर इसके बारे में सोचा और फाइनली उसे सल्यूशन मिल गया। और वो कहता है कि उसने बेकार खराब सॉक्स के 4 पेयर्स खरीद लिए हैं जिसे उसने अपने पैरों में अच्छी तरह से फिट कर लिया है, और वो कहता है कि ठंड से बचने के लिए उसने एक सिगार खरीद लिया है जिसे वो पूरा दिन जलाएगा ताकि उसके प्यारे से दोस्त कैंगरू को ठंड ना लगे। फिर क्या जो कैंगरू है वो डक के इस सल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाता है और वो डक को अपने पीठ पर बिठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो डक से कहता है कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ और मुझे बहुत मजबूती से पकड़ लेना। फिर वो लोग रात के समय आकाश में, जब चांद की हल्की सी रोशनी थी, तो वो लोग दुनिया भर के यात्रा पर निकल जाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने दुनिया भर की यात्रा 3 बार की। इसके अलावा वो दोनों एक दूसरे की कंपनी से खुश थे।